नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव के बारे में। और फिर कहूँगा मैं एक बार कि जब सारी दुनिया सो जाती है, शाम शर की वीडियो आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेव के बारे में बात करेंगे और वेव का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्या है इसके थ्रू क्लियर हो जाएगा। चलो, वेव के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, साउंड वेव, लाइट वेव, मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो इन पे आपको क्या है क्विक रिव्यू मैं दे देता हूँ। वेव के बारे में हम बात करें तो वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, जिसमें वेव क्या होती है किसी भी मीडियम के थ्रू क्या है प्रपोगेट करती है, या तो मीडियम में वो प्रपोगेट करती है या फिर वो क्या है वेव में प्रपोगेट करती है। तो सबसे पहले जो सवाल होता है कि भाई वेव कितने प्रकार की होती हैं, तो वेव क्या होती है तीन प्रकार की होती है। एक को हम क्या कहते हैं मैकेनिकल वेव। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरी होती है आपकी मैटर वेव। ठीक है, तो विद इन 3 to 4 मिनट आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है कि भाई जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये मीडियम क्या हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड एट ऑल। और मैटर वेव ये किससे रिलेटेड होती हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड होती हैं, इनके बारे में जो बाद में हमें डी ब्रॉगली साहब ने भी बताया था। अब बात आ जाती है जो मेजर दो होती हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। एक आपकी हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी आपकी हो जाती है ट्रांसवर्स। ओके, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होती हैं, ट्रांसवर्स सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में होती हैं। पहला बेसिक डिफरेंस। दूसरा ध्यान रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स और वेव की डायरेक्शन दोनों क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम ही रहती है। और ट्रांसवर्स वेव में यदि मैं बात करूं तो पार्टिकल्स और वेव की जो डायरेक्शन है वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, यानी कि ये मूव करता है वर्टिकली और ये मूव करता है डाउनवर्ड। ओके, लॉन्गिट्यूडनल आपका सीआर सीआर के फॉर्म में चलती है और ट्रांसवर्स ही आपका सीटी सीटी, क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट इज द साउंड वेव, और ट्रांसवर्स वेव का क्या हो जाता है आपका, दैट इज द लाइट वेव। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है लाइट के बारे में कि लाइट सर ट्रांसवर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या फिर आपका मैकेनिकल है। तो वैसे ही फिर एक वेव होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। इसका सबसे बेस्ट फंडा है कि आप ये ध्यान रखिएगा, गाड़ी एक्स यू वी इन माय रेंज। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, दैट इज जी फॉर गामा, एक्स फॉर एक्सरे, यू फॉर अल्ट्रा वायलेट, पी फॉर विजिबल, इंफ्रा माइक्रो और रेडियो। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होती है। अब लाइट क्या होता है, लाइट एक एक्सेप्शनल केस है कि लाइट वैसे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन ये ट्रांसवर्स नेचर भी शो करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रांसवर्स नेचर शो करने का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है लेकिन ये मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल वेव उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन लाइट को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लाइट क्या है, इट इज एन एक्सेप्शनल केस कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हुए भी ट्रांसवर्स है, या फिर वो ट्रांसवर्स होते हुए भी मैकेनिकल नहीं है क्योंकि उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न के बारे में, मैकेनिकल वेव के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव, ये आप ध्यान में रखिएगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये आपकी साउंड वेव होती है। साउंड वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में ये भी ट्रेवल नहीं करती है। ट्रांसवर्स न गैस में न वैक्यूम में, ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में ही चलती है। और नेक्स्ट आपका हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका दैट इज गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रा माइक्रो और रेडियो वेव। ठीक है, तो इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप क्लासेस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, पूरा एक लेक्चर होता है इस पे, और डिटेल में इनकी डिस्कवरीज होती हैं, वेव्स होती हैं, इनके बारे में डिटेल में भी एक वीडियोज में बता दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है,
तो काफी सारी चीजें आपको इस सीरीज से मिलेंगी, क्लियर होंगी, तो इसको आप क्या है आगे के लिए फॉलो कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा और पॉइंट बैच आप अभी के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स एकदम दमदार मोड में चल रही है और ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों क्या है पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये आप एनरोल कर लीजिएगा SS30 कोड के साथ। अभी 20% का ऑफ भी चल रहा है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।